देसी पहलवानों का दम है। इस कार में देसी पहलवानों की ताकत है। इस कार में पहाड़ और जंगल को रौंदने का मादा है। मारुति की ये कॉन्सेप्ट एसयूवी है XA अल्फा। इसमें के सीरीज का पेट्रोल इंजन लगा है। अपने 5 इंजीनियर्स की मदद से मारुति ने इसे 10 महीने में तैयार किया है। हालांकि ये कार कितने सीसी की है और लॉन्च के पहले तक इसकी सूरत क्या होगी, इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। इसकी कीमत से भी पर्दा तभी उठेगा जब मारुति इसे फाइनल शेप देगी। इस कार का हाल कहीं ए स्टार जैसा ना हो जाए जो ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, लेकिन जब ए स्टार लॉन्च की गई थी तो उसका रूप काफी बदल गया था। देश में कुल कारों की बिक्री में से 14% बाजार एसयूवी का है। XA अल्फा के जरिए मारुति सुजुकी इस बाजार में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। अनुया यादव, दिल्ली आज तक। मारुति अल्फा की अगर बात की जाए तो शायद सभी ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। जिस तरह से नैनो का क्रेज कभी रहा करता था, अब लोग सोच रहे होंगे कि मारुति एक जिप्सी जैसी नई गाड़ी लेकर आने वाली है। दिलीप छाबड़ी हमको बताएंगे कि हर कार को स्पोर्टी बनाने का जो ट्रेंड है, और खासकर अब कंपनियां खुद चाहती हैं कि स्पोर्ट्स कारें और बनाई जाएं, एसयूवी खास तौर पे, आपको लगता है बढ़िया सेगमेंट रहेगा ये? या आई थिंक सो, क्योंकि ये एक नया सेगमेंट है और हर एक कार कंपनी को एक ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, और जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो हो जाता है, आई थिंक दैट्स अ गुड सिचुएशन, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म पर दे आर एबल टू इंजीनियर अ डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल इन दैट सेंस। तो दैट इज़ अ ट्रेंड फोर्ड इको स्पोर्ट ने वो आपको दिखाया है, और ये ग्लोबली भी एक ट्रेंड है, स्मॉल कॉम्पैक्ट एसयूवी बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म दैट दे ऑलरेडी हैव। सो एक नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है। कस्टमर के हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना वाला, यू नो, एज अ कस्टमर, इफ आई इन्वेस्ट 7-8 lakhs, इफ आई कैन गेट अ बेटर चॉइस और अ डिफरेंट चॉइस, वन लुक्स एट इट। सो आई थिंक इट्स क्रिएटिंग अ न्यू सेगमेंट बिकॉज आई थिंक दैट्स अ ग्रोथ एरिया दे नीड टू टैप। जी योगेंद्र, आप बताएं कि जब हम आईवी राव से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इसके लिए मुझे नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, जो प्रेजेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं में हम ये कार बना सकते हैं। क्या वाकई में ऐसी कार सही रहेगी, बढ़िया रहेगी? जिप्सी हमने देखा पेट्रोल की वजह से थोड़ी सी डिमांड कम है उसकी। जिप्सी तो खैर एक बहुत पुराने जमाने की कार हो गई, उसके बाद तो टेक्नोलॉजी बदल गई, फेवरेट है वैसे। हाँ। स्टाइल बदल गया, वो तो इसलिए है फेवरेट क्योंकि बहुत सस्ती है। आई नो, जमाना बदल गया है और मारुति को बहुत जरूरत थी एक ऐसी छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी की। डिजाइन के बिना तो कोई कार बिकती नहीं है आज, इतना कॉम्पिटेटिव मार्केट हो गया है, तो इट शुड बी स्पोर्टी, देखने में अच्छी होनी चाहिए। एंड अभी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है, जब तक वो फाइनल प्रोडक्शन में जाएगी तब तक थोड़ा चेंज तो होगा ही उसमें। जी, और ऐसे में अगर हमने देखा जिम्नी जो है, जिम्नी जैसा काफी कुछ लुक लग रहा था, हालांकि कह रहे हैं कि 9 महीने में उन्होंने डेवलप कर लिया है इसको, क्या लगता है कब तक आएगी? आएगी तो कितने की होगी? देखिए, सारी कार्स जैसे आप कह रही हैं प्लेटफॉर्म तो सेम रखते हैं, और सेंस भी बनता है कि अगर आपके पास प्रोवन मैकेनिकल्स हैं तो उन्हीं पे आप दूसरा बॉडी शेल बेस करके थोड़ी चीज़ें ट्वीक करके बनाए कार, क्योंकि फिर सस्ता रहता है, डेवलपमेंट टाइम कम रहता है, और वॉल्यूम्स ऑफ स्केल मिल जाती हैं क्योंकि सारे कॉम्पोनेंट्स अक्रॉस फुल पोर्टफोलियो यूज़ होते हैं। तो ये तो डेफिनेट है कि उन्होंने कहा भी था कि हम जिम्नी पे बेस कर रहे हैं, एंड क्योंकि किसी दूसरी व्हीकल पे बेस किया है तो प्रोडक्शन टाइम या टू प्रोडक्शन टाइम कम हो जाता है, एंड उसके बाद भी टाइम तो लगता ही है, ऐसा नहीं है कि आप इस साल इसे मार्केट में देखेंगे। चलिए बताएं, अगर आपको लगता है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 10 लाख से नीचे की होगी, और क्योंकि उससे ऊपर तो मारुति के पास ऑलरेडी एक सुजुकी की एसयूवी है, एंड ये अफोर्डेबल एसयूवी होगी। हम महिंद्रा की बात करने वाले हैं इसके बाद, लेकिन एक बात बताएं दिलीप, कि आप इतने सालों से देख रहे होंगे कार बाजार को, किस तरह से फॉर्म अलग अलग तरीके से ले रहा है भारत में, लेकिन आपको लगता है कि मारुति जैसी कंपनी को भी आखिरकार स्टाइलिश कारें बनाना पड़ा और उनके जो डिजाइन हैं वो लगातार बदलते रहे समय के साथ साथ, आपको क्या लगता है अब आने वाले टाइम में, जैसे ए स्टार हमने देखा, हालांकि वो फ्लॉप हो गई कार, इतनी अच्छी बिकी नहीं, लेकिन अगर हम उनकी दूसरी कारों को देखें, रिट्स को देखें या फिर हम SX4 को देखें, तो स्टाइल विल रियली मैटर अब आगे, जॉब मैटर करेगा आगे कंज्यूमर्स में? आई थिंक
Absolutely. I mean, design and style is the only differentiator that car makers will have left. अगर आप आज भी देखेंगे कार का जो कंटेंट है इट इज़ डिफाइंड बाई टीयर वन मैन्युफैक्चरर्स उनके कॉमन टेक्नोलॉजीज अक्रॉस ब्रांड रहते हैं तो वॉट रियली डिस्टिंग्विशेज अ कार एंड इट्स ब्रांड इज द वे द कार लुक्स और फील्स सो वेदर इट्स मारुति और वेदर वॉट एवर मैन्युफैक्चर इज इट आई थिंक हर एक मैन्युफैक्चरर को डिज़ाइन क्राइटेरिया रखना ही पड़ेगा एंड आई थिंक इट्स प्रूवन इंडियन मार्केट will not accept a car that's designed well but engineered poorly nor will it accept a car that's engineered well or is fuel efficient but designed poorly so Indian customer is very demanding he wants everything but more importantly today he wants style he wants design I think we talked about Maruti the Swift is a resounding success it's directly attributed to design बिल्कुल और स्विफ्ट नाइस किया इंडियन मार्केट को फॉर्मूला कार की लुक्स कोशिश कर रहे थे कि वो एक छोटे कार में ले आए